नमस्कार, जीएनए न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी के बाराबंकी जिले में कई दशकों से लगने वाले उधवापुर मेले का हुआ उद्घाटन। मेले का उद्घाटन बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत सहित हैदरगढ़ के विधायक बैजनाथ रावत भी मौजूद रहे और प्रबंधक विश्वनाथ वर्मा, विनीत वर्मा, चेतराम वर्मा प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया और मेले का आनंद उठाया। मेले में जनपद सहित कई प्रांतों के व्यापारी हिस्सा लेने आए। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। ये जो विराट मेला आयोजित किया जाता है, पशु विराट मेला, इसमें क्या महत्व है? महत्व तो यहाँ का क्या बताया जाए, किसानों का मेला है, एक हिसाब से जवारी मेला, पास पड़ोस के दो चार दस कोस के अंदर के ही जाते हैं। ये जो मेला आप लगवा रहे हैं, पिछले कितने सालों से लगवा रहे हैं और इस मेला को लगवाने की प्रेरणा को कहाँ से मिली? अब ये मेला तो हमारे पूर्वजों ने लगवाया है, 1952 से स्टार्ट किया इसको, और इसका उद्देश्य था कि हम क्षेत्र का विकास करें। अच्छा, जो मेला 1952 से लगातार लग रहा है, इसमें किन किन लोगों के द्वारा सहयोग किया जाता है और जो है इसको जो है कौन कौन से सामान बिकने के लिए, पता चला अपने जो है प्रदेश ही नहीं बल्कि हिसार होता है, हरियाणा के भी जानवर आते हैं। हाँ, पूर्वजों की इच्छा अनुसार ये मेला, जब मशीनरी युग नहीं था, हम लोग भी नहीं थे, तब बैल बछड़ों से ही खेती होती थी, तो ये उद्देश्य था कि हमारे यहाँ अच्छी नस्ल के जानवर जब आएंगे तो क्षेत्र के किसान उनको खरीदेंगे और अच्छे जानवर से अच्छी खेती कर पाएंगे। इस उद्देश्य से मेला लगवाया गया। और हमारे मेले में चार चौधरी हैं, जो कौन से नाम, एक इस समय जो पूर्वजों से थे, जैसे हमारे पिताजी के चाचा रामनारायण शाह जी का स्थापित किया हुआ है मेला है, सहयोग पिताजी का भी रहा, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम आधार जी है और दादाजी का नाम स्वर्गीय रामनारायण शाह है। इन लोगों के अथक परिश्रम और सहयोग से इस मेले का शुभारंभ हुआ। 52 से लेकर के अब तक धीरे धीरे विकास ही कर रहा है। हमारे यहाँ हरदोई, एक पहले अलादीन थे हरदोई के, वो मेले के चौधरी थे, और एक बनवारी लाल सहारनपुर के थे, मुजफ्फरनगर के अयूब खां थे और एक अब्दुल रशीद थे। किस किस नस्ल के इस मेले में पशु आते हैं? पशु आते हैं, जैसे हरियाणा से आती हैं गायें, मथुरा, हरियाणा, पंजाब, ये मशहूर स्थानों से बैल बच्चे, गाय, भैंस आदि ये सब आते हैं। आप इस मेले की किस पद पर हैं? इस समय हम इस मेले के प्रबंधक पद पर। मेले में बच्चों की सुविधाओं के लिए, लोगों की, आम जनता की सुविधाओं के लिए, हाँ, और दुकानें आती हैं, मेला मेल का होता है, और मेले में जो जो सामान आने चाहिए, होने चाहिए, इस मेले में सभी आते हैं। धन्यवाद। आप हरियाणा से यहाँ पर कई सालों से आ रहे हैं? 25-30 साल से आ रहे हैं। और व्यवहार आपको कैसा यहाँ पर, मतलब कितना? व्यवहार बहुत अच्छा है, किसानों से अच्छा है, मेला मालिकों से अच्छा है और प्रशासन से भी अच्छा है, अपने संपर्क अच्छा है। आपको मोबाइल नंबर कितना है? मेरा मोबाइल नंबर 79067-29-153-9-27-82-28-59। यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब जनता भी गाय और भैंस खरीदना चाहिए।